तो हेलो दोस्त, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नो बॉयज में। और आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज वो भी स्नोवी भाई के साथ। और यह है स्नोवी भाई जो इसने अपना नाम अभी स्टीवन ही रखा है। और तो फिर दोस्तों, जैसा कि आपने पहचान लिया होगा कि आज हम खेलने वाले हैं एवेंजर असेंबली। सब खेलने हैं भाई, बड़े बड़े यूट्यूबर लोग खेल रहे हैं। हमने सोचा हम भी खेलते हैं, हम भी भाई साहब एवेंजर्स के फ़ैन हैं तो फिर हम भी खेलेंगे। तो फिर हमने भी शुरू कर दिया, हम भी चल दिए माइनक्राफ्ट अपना ड्रेस लगा के रहते ही। और ये यहाँ पे ये हम भी लकड़ी तोड़ते हैं पहले, सबसे पहले। और अगर हम ये सीरीज लंबी जारी करेंगे, और अगर आपको माइनक्राफ्ट के रिलेटेड वीडियो देखनी पसंद है और हॉरर गेम भी पसंद है, तो फिर आप स्नोवी भाई का चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं। स्नोवी भाई भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। स्नोवी भाई का भी चैनल थोड़ा सा देख लेना भाई। तो फिर ये थोड़ा सा हमने वुडन प्लैंक तोड़ दिए, तो फिर उसका इससे थोड़ा प्लैंक बनाते हैं। और यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं और थोड़ी सी स्टिक बनाते हैं। फिर हम हथियार बनाएंगे, ये क्राफ्टिंग टेबल लग रही है। फिर इसका हथियार ये बनाते हैं पिकैक्स, ये तलवार बनाते हैं। और ये साथ में ये भी बना लेते हैं एक्स काम आती है, बॉल लकड़ी तोड़ने भी काम आती है। एक्स सही होती है, बनाया करो, कोई लोग नहीं बनाते एक्स को। तो फिर यहाँ से हम थोड़े इधर को चलते हैं, यहाँ पे कोबलस्टोन दिख रहे हैं, कोबलस्टोन को तोड़ते हैं। कोबलस्टोन तोड़ते हैं इसके बाद ये भी तोड़, अरे ये तो फिर हमने अच्छी खासी खुदाई कर ली है, थोड़ी बहुत और खुदाई कर लेते हैं। अच्छे खासे कोबलस्टोन चाहिए हमें भी भाई, अगर ज़्यादा कोबलस्टोन होंगे तभी तो सही रहेगा, कोबलस्टोन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो मेरे क्राफ्टिंग टेबल 20 तक का हो ही गए हैं हमारे पास कोबलस्टोन। तो फिर क्राफ्टिंग टेबल से ये बनाई हमने तलवार, ये बनाई हमने एक्स, ये बनाई हमने पिकैक्स। तो फिर उसके बाद ये इसको तोड़ते हैं जरा, ये क्राफ्टिंग टेबल टूट वुड पिकैक्स से तोड़ेंगे, जल्दी टूट जाएगी मेरे ख्याल से, आई थिंक सो। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा और खुदाई करने की सोच रहा हूँ मैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं। स्नोवी भाई भी पता नहीं कहाँ निकल गए, अभी स्नोवी भाई के पीछे चलते हैं थोड़ी देर में। तो फिर ये गया, ये भी गया, थोड़ा सा खुदाई, कोबलस्टोन की कमी नहीं पड़नी चाहिए। फिर से 20 हो गए हैं, सब चीज़ की कमी पड़ जाए पर कोबलस्टोन की कमी नहीं पड़नी चाहिए, वही तो मेन रहता है। फर्नेस भी तो बनाना है अभी हमें, और अभी ये टूटेंगे और रस्त भी तो बनाने होंगे। अभी तक तो यही कोबलस्टोन मेन है अपने लिए, बाद पे दूसरे स्टोन भी लेंगे। तो फिर इसके लिए मैं बोलूँ तेज क्यों नहीं भाग रहा भाई, तेज भाग, अरे अच्छा क्राउच हो रखा है, मैं बोलूँ तेज क्यों नहीं भाग रहा है ये। चलो स्नोवी भाई के साथ चलते, स्नोवी भाई करते पता नहीं कहाँ निकल गए। स्नोवी भाई मैं भी आ रहा हूँ भाई, कहाँ भाग गए स्नोवी भाई, जल्दी आओ भाई। और आपको दोनों के पॉइंट ऑफ एंगल से देखना है पूरा वर्ल्ड। तो फिर आप एक काम करना कि स्नोवी भाई भी यही वीडियो अपने उससे डालेंगे, तो फिर स्नोवी भाई की वीडियो देख सकते हैं आप, तो फिर आपको दोनों सही लगेगा। और आप ये भी बताना कमेंट में कि आपका कौन फेवरेट है, आपको आयरन मैन अच्छा लगता है या फिर कैप्टन अमेरिका। मेरे को तो आयरन मैन अच्छा लगता है कैप्टन अमेरिका से ज़्यादा, क्योंकि आयरन मैन भाई, आयरन मैन दमदार हुआ, आयरन मैन का कवच बड़ा पसंद है मेरे को। ये काव मिली काव कहाँ भागते हो, आयरन मैन आ गया। अरे स्नोवी भाई हमारा खाना चोरी करोगे, स्नोवी भाई ऐसा तो नहीं होता है कि स्नोवी भाई। अब यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्राफ्ट इंडिया लगा के थोड़ा इस गोट को भी मारते हैं। गोट भी बहुत देर से उछल रही है, बहुत देर से, इससे भी थोड़े से एक्सपीरियंस ने कुछ दिया तो नहीं खाने के लिए। गोट पता नहीं कैसे गरीब है, ऐसे गरीब लोग, ऐसे गरीब गोट है, सब चीज़ दे, सब लोग देते हैं, गोटी कुछ नहीं देती है, ये गरीब है। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा पोल तोड़ते हैं, टॉर्च वॉर्च आने के काम आएगी। बस मैं यहाँ पानी में ना गिर जाऊँ आराम से, ये से थोड़ा मेरा कोल सब पानी में झड़ गया। अरे यार मैं भी झड़ गया, ये क्या गलत सीन हो गया। थोड़ा सा यहाँ से निकल के कोशिश करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कोबलस्टोन तोड़ते हैं आला। तो फिर उसके बाद यहाँ पे यार पहले सीढ़ी बनाते हैं, ऊपर चलते हैं। चला पानी के अंदर ही मर रखा हूँ मैं यहाँ पे, और सीढ़ी बनानी पड़ेगी क्या। ये भी सब कोबलस्टोन में बर्बाद करवाना चाहता है, फिक्स है भाई, इसको भी तोड़ते हैं। हम नहीं गिनना है मेरे को, अब गिनना ही नहीं है, मैं गिरूंगा ही नहीं, ये फिर से गिर गया, क्या कर सकते हैं हम। इसे तोड़ते हैं, अरे भाई टूटा नहीं। अरे यार क्या प्रैंक हो गया मेरे साथ, हटो भयंकर बाढ़ में जाइए, रात भी हो गई है, जल्दी भागो। अरे भाई भागो, ये स्नोवी भाई जल्दी चलो अंदर चलो स्नोवी भाई, अरे स्नोवी भाई जल्दी बनाओ। स्नोवी भाई ने बोला था अभी तक मैं सीक्रेट बेस बना दूंगा, जा तू कूल ला। स्नोवी भाई बना नहीं पाए तो मैं अभी तो बनाऊँ कैसे, मेरे को डर्ट नहीं है। उसके बाद मैं खोदता हूँ नीचे को, डर्ट भी आ जाएगी और नीचे को चलेंगे। फिर उसके बाद ये पिकैक्स से खोदते हैं वुडन की, सही रहेगा ये खुद। तो भी खुद एक और ये
ये भी कूदते हैं थोड़ा सा, ये भी कूदते हैं और ये भी, ये जल्दी जल्दी कूदते हैं नहीं तो मॉब स्पॉन हो जाएंगे फिर उसके हमें मार देंगे। हमें ज़्यादा मारा तो फिर भूख लगेगी, तो फिर तब वहाँ पर खाना भी नहीं है अभी ज़्यादा, तो फिर उसका जल्दी जल्दी करते हैं जल्दी जल्दी। फिर थोड़ी बहुत डर्ट आ गई है मेरे पास, सिनो भी भाई जल्दी आओ, सिनो भी भाई बंद कर दूंगा छत। अरे सिनो भी पता नहीं कहाँ से डैमेज लेते हुए आ रहे हैं। तो फिर सिनो भी भाई रुको, सिनो भी भाई जरा मैं डर से बंद करता हूँ। सिनो भाई सुनो भाई आ रहे हैं आपको डैमेज पड़ा। सुनो भाई रुको मैं टॉर्च बढ़ाता हूँ, इसका जल्दी बंद करूँ, मैं टॉर्च लगा दूंगा। ये टॉर्च इधर आ और ये यहाँ पे लग, एक टॉर्च यहाँ पे लग, और तो फिर यहाँ पे टॉर्च। अभी हम नीचे जाएंगे खुदाई करके, तो फिर हम रात भर इसी के अंदर बैठे हुए थे भाई साहब, बाहर मोबाव आ जाते तो फिर अभी हम इसके अंदर छुप रखे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखो स्टीवन भाई भाग, इसमें फर्नेस भी लगा दिया अंदर, और ये इधर को चलता हूँ मैं थोड़े से। चल चल भाई चल चल जल्दी चल, गिर जाऊँगा पानी में फिर से। तो फिर उसका ये पिकेक्स थोड़ी सी, ये पिकेक्स भी कम ही बची है, तो फिर इस पिकेक्स को अंदर लेते हैं, ये स्टिक को अंदर, इस स्टिक को अंदर लेके उसमें। फिर उसके यहाँ पे कोल दिखा था मैंने रुकर, मैं यहाँ का कोल खोदना भूल गया था, तो इसको मैं पूरा खोद देता हूँ अच्छे से कोल। वैसे भी मैं टॉर्च बहुत सारी चाहिए, माइन में जाएंगे अभी, खुद खोदेंगे खुद ही जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ से थोड़ा इसलिए कोल पर, तो फिर इसका हमने अच्छे से खुदाई कर ली कोल की भी। यहाँ पे कॉबल स्टोन दिखा मैंने सोचा कॉबल स्टोन और दिखूँ, मैं पिछली वीडियो में तो कर नहीं पाया था, इस बार जरूर कर लूँगा, इस बार जरूर कर लिया, पिछली वीडियो में थोड़ा सा हो गया था घपला। तो उसके बाद यहाँ से चढ़ भाई चढ़ चलिए चढ़, ये डट खोदते खोदते मेरी ज़िंदगी बीत जाएगी, ऐसे ऐसे करूँगा तो भयंकर। यहाँ से अब 54 डट ऐसे यूज़ करने का वक्त आ गया है, तो फिर और ऊपर चलते हैं, और ऊपर चले चलो भाई चले चलो, और ऊपर। देखो कमाल की बात तो ये है, हमें और कोल मिल गया। कोल तो भाई साहब कोल की कमी नहीं है, कोल कम होना ही नहीं चाहिए, कोल की कमी भाई साहब कभी होनी नहीं चाहिए। कोल की कमी हो गई तो मैं मतलब तुम्हारी किस्मत ही बेकार है, कोल तो क्योंकि मिलते रहता है, कोल के बिना कुछ चारा चलता भी नहीं है। के वे में भी कैसे जाओगे बिना कोल के, और बिना कोल के तुम रॉ आयरन को पका भी नहीं पाओगे, रॉ गोल्ड को। फिर इसके बाद ये इसमें आते हैं डट चट, इसके ऊपर जंप मारते हैं, ये मार दे जंप डट, और मेरे पास तो फिर से लगाते हैं जल्दी चल भाई जल्दी चली 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 चली। थोड़ा सा बच्चा है तो यहाँ से वहाँ कूदते, ये क्या मस्त जंप मारी। देखा मैं पार्कौर सच्ची में मैं ड्रीम बन रहा हूँ। अगर आपने मेरी पार्कौर वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लो भाई, क्या कर रहे हो, देख लो थोड़ी देर वाली वीडियो पे देख लो भाई, अपने भाई को सपोर्ट करो। तो उसका इधर से इधर जाते हैं, ग्रेवल है यहाँ पे तो मेरे को चलना ही नहीं है, ग्रेवल तो एंगल धोखा दे देता है, खतरनाक वाला क्राफ्ट लेवल लगाते हैं जरा। और यहाँ पे थोड़े से और पिकेक्स बनाते हैं, पिकेक्स वाली टूटने वाली थी तो फिर हमने एक और बना ली, तो फिर ये क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ते हैं लेते हैं। ये हम यहाँ पे ऊंचाई पे आए, उतनी देर से मैं चलने में हूँ और मैं इतनी दूर आ गया हूँ, और ये स्नो भी भाई तो पता नहीं कहाँ चले गए। मैं स्नो भी भाई के लिए देख रहा हूँ मैं, ये ऊपर से भाई साहब सब कुछ नीचे भाई साहब। अब मैं आसमान की ऊंचाइयों में हूँ, आज मैं ऊपर दुनिया नीचे। अगर मैं यहाँ से नीचे गिर गया तो फिर सच्ची में मैं पहुँच जाऊँगा ऊपर। तो फिर उसके बाद तो फिर ये आराम से झुक के देखता हूँ भाई साहब, बहुत वो है गया, ऐसा नीचे गिरा तो गया ख़त्म, टाटा बाय बाय। मैं थोड़ा आराम से चाहता हूँ, सनोवी भाई नीचे आया मेरा इंतजार कर रहे हैं, सनोवी भाई आ रहा हूँ मैं। वैसे मेरा खाना भी नहीं है मेरे पास ज़्यादा, खाने की भी कमी है, और यहाँ मैंने अपना हार्ट भी माइनस करवा लिए वाह। फिर उसके बाद यहाँ से चलो ये देखो था क्या मस्त डाइव खाई मैंने, ये देखा क्या मस्त डाइव खाता हूँ मैं, ये अरे थोड़ा बहुत होता है। उसके थोड़ा इधर को चलता हूँ, सुनो भाई पीछे ही रहना मेरे, आयरन मैन आगे चलता है हमेशा, कैप्टन अमेरिका पीछे आना ठीक है। कहाँ का सुनो भी आ रहा है, सुनो भी भाई तो भटक जाते हैं बीच में। सुनो भी भाई जल्दी आओ, थोड़ा सा एक फंस गया मैं, जल्दी आओ सुनो भाई, यहीं पे रुका हूँ मैं। सुनो भाई वो सुनो भाई आ रहे हैं अभी, आ जाओ सुनो भाई, आ जाओ। ये सुनो भाई भी अच्छे से आते नहीं है पीछे, आ जाओ सुनो भी भाई। अरे सुनो भी भाई तो भेड़ को मार रहे हैं, मेरे को भी दिखी थी यहाँ पे भेड़, ये वहाँ नीचे मच्छी दिख रही है मेरे को, अभी चलता हूँ मच्छी को मार आराम से। ओ डैमेज पड़ा
जल्दी मर तेरे चक्कर से मेरे को डैमेज पड़ रहा है, मर तू भी मर। हम अब मच्छी भात खाएंगे। ये मच्छी से मेरे को क्या मिली, हड्डी मिली मच्छी से। ये अरे छोटी मच्छी बड़ी बदमाश है, छोटी मच्छी आ नहीं रही है पकड़ में। अरे फिर से बच गई। ये छोटी मच्छी भी महंगा बड़ी चीता बन रही है। छोटी मच्छी को पता नहीं है, मैं आ नहीं मानता, पर मैंने आज मार लिया यार। सुनो भाई ने बोला चलो जल्दी चलो। और ये एक और छोटी मच्छी, ये इसको तो नहीं छोड़ूंगा। ये तो गई। ये नहीं बचेगी। देखा नहीं बचेगी। चलो छोड़ो यार, सुनो भाई भाग जाएंगे छोड़ के, नहीं तो। ये थोड़ा और मच्छी दिखी है यहाँ पे मेरे को। ये भी गई। और सुनो भाई जल्दी आओ, सुनो भाई मैं भी आ रहा हूँ भाई, ऐसे छोड़ के नहीं जाने का। तो फिर यहाँ सुनो भाई यहाँ चल दिए, रुक जाओ सुनो भाई आ रहा हूँ मैं। सुनो भाई ने फर्नेस लगाया, बहुत सही काम किया सुनो भाई। अरे सुनो भाई का कुत्ता है क्या वो, पता नहीं। अरे मेरे पास हड्डी है, चलो एक हड्डी में तो वैसे भी वो लोग पेट बनता नहीं है, तो छोड़ो क्या करें, बेचारे को माफ़ करते हैं। सुनो भाई कोल ले लो। शर्माओ मत भाई, आयरन मैन मैं अमीर हूँ, मैं सबको कूल देते रहता हूँ। आयरन मैन इज रिच। और यहाँ वो डर पी गए, यहाँ पे खाना खा लेते हैं। मैं जस्ट अभी मरने वाला था, तो खाना पका के हमने खा लिया है। इसके लिए मैं अपना चेक करता हूँ, एक और पकना बाकी है बस। ये भी जल्दी पक जा, हाँ ये पक गया। फिर उसके मैं इसको भी ले लिया, ये मच्छी को भी पका लेते हैं। ये मच्छी पक चुकी है, तो फिर ये मच्छी को एक कोल को रख लेते हैं। अभी फर्नेस का भी क्या, हम इस फर्नेस को भी तोड़ देते हैं। एक से तोड़ रहा हूँ मैं, स्टोन के एक से तोड़ते हैं। स्टोन के एक जो बहुत समय लगा रही है, पिकैक्स से तोड़ते हैं। एक से क्यों तोड़ना है, अपने पास पिकैक्स है। तो फिर ये यहाँ पे बनाते हैं अब हम अपना अड्डा रात का। अभी भी हमारे पास दो जरा भूल नहीं है, तो फिर अब हमें यहीं पर अड्डा बनाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद यहाँ से हम पहले यहाँ तक ऐसे वाला अंडरग्राउंड टाइप का बनाएंगे सीढ़ियाँ। उसके यहाँ पर 7 डर्ट है मेरे पास, तो फिर डर्ट लगाता हूँ। एक लगी, दो लगी, तीन लगी। अरे लग भाई, ये लग, ये टॉर्च लगानी है। सुनो भाई मैंने बोल दिया था, सुनो भाई भी कंजूस है। सच कहते हैं कैप्टन अमेरिका कंजूस होता है। आयरन मैन दिलदार है, आयरन मैन टॉर्च लगा रहा है। और एक क्राफ्टिंग टेबल जरा मैं यहीं पर लगा लेता हूँ अपनी, ये लगी यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल। तो फिर उसके बाद यहाँ पे से ये क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे रास्ते में। तो फिर हम इसको थोड़ा सा साइड में लगा रहते, इसको तोड़ते हैं। टूट भाई टूट, जल्दी टूट। वुडन पे कैसे तोड़े, हम हाथ से भी तोड़ता हूँ, बता नहीं कभी का हो जाता है। यहाँ पे एक वो तो क्राफ्टिंग टेबल लगी है, हम यहाँ पे अपना फर्नेस लगा लेते हैं। यहाँ पे अभी नीचे खुदाई में जाएंगे, आयरन मिलेगा तो फिर उसके यहीं पर आएंगे फर्नेस में। अरे क्या कर रहे हो सुनो भाई, चलो अच्छा टॉर्च बनाए थे सुनो भाई सवल से खोदते हुए। ये तो फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा खुदाई कर ली है। और नीचे चलते हैं। बीच में रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं, क्योंकि बहुत वो होता है ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फालतू का पार्ट रिकॉर्ड हो जाता है। यहाँ पे बीच में पता नहीं क्या हो जाता है, पता नहीं रिकॉर्डिंग सिस्टम ख़राब हो जाता है बीच में। उसका यहाँ पर जल्दी टॉर्च लगाते हैं। टॉर्च भी ज़्यादा नहीं है मेरे पास, 10 ही है। कोई बात नहीं, कोल था मेरे पास अच्छा खासा, बना लूँगा मैं टॉर्च। ये भी जल्दी तोड़ते हैं। टूट भाई जल्दी टूट। ये अंधेरा हो गया फिर से। उसका अभी थोड़ा सा तो खोल लेते हैं। उसका एक ही बार टॉर्च लगाएंगे, थोड़ा बहुत अंधेरा पे खोल लेते हैं। एक और टॉर्च लगी, फिर उसका और स्टोन के पीछे से तोड़ते हैं। टूट भाई जल्दी टूट। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से कोबल स्टोन भी ले लेता हूँ, और आसपास भी खुदाई कर लेता हूँ, क्या पता आसपास ही चीज़ मिल जाए। तो इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा सीढ़ी के लाइन में बनाते हैं ना, नहीं तो घपला हो जाएगा फिर नीचे आते ऊपर में। और तो फिर थोड़ा सा और खोदते हैं थोड़ा सा, और हमने यहाँ पे अच्छा खासा खोद लिया। और यहाँ पे अभी हमें ये मेरे को यहाँ पे गड्ढा टाइप का मिल गया था, तो फिर यहाँ पे मैं चेक करने आया हूँ, यहाँ पे केव थी। तो फिर यहाँ पे केव के यहाँ पे लगाता हूँ टॉर्च। वाह आयरन मिल गया, यही तो चाहिए था, यही इसी के लिए तो मैं यहाँ पे आया था। सुनो भाई आ जाओ भाई, यहाँ पे आयरन अच्छा खासा, और मुझे केम मिल चुकी है। आ जाओ सुनो भाई जल्दी आओ सुनो भाई। अभी दो आयरन मिला है मेरे को, अभी दो से तो कुछ होगा नहीं, अभी मेरे को और चाहिए आयरन। तो फिर उसका कॉबलस्टोन में भाई एक स्टॉक हो गया, थोड़ा ये पिकैक्स इधर ला लेते हैं। सुनो भाई आ जाओ, ओ ओ गिर गया गलती से। वाह आयरन है मेरे पास, ये मजा आएगा। तोड़ते हैं जल्दी टूट भाई। गोल्ड मिल गया, मौज हो जाएगी।
अरे अरे गोल तो मिला ही नहीं। अरे क्या अच्छा वो तो मेरे पास स्टोन के पिकेक्स है ना। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कभी होता है, कभी ऐसी गलती हो जाती है। अरे स्टीवन भाई आ जाओ भाई, नाम दिखा रहा है स्टीवन भाई का। स्टीवन भाई पता नहीं कहाँ चल दिए। जल्दी आओ स्टीवन भाई, थोड़ा सा इधर को चलता हूँ मैं। टॉर्च की वैसे भी कमी है मेरे पास, तो फिर ये इधर को चलता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ। अरे यहाँ पे लावा है, संभल के जाना पड़ेगा। ये यहाँ पे कॉपर भी है थोड़ा सा, यहाँ पे लावा, ऐसे लावा यहाँ से साइड से बच के जाता हूँ। और ये क्या ले पत्थर, क्या ले रेड स्टोन मिल गया, वाह यही तो चाहिए था मेरे को। पहले यहाँ पे थोड़ा सा स्टोन लगा तो नहीं तो खाली, फिर पता चला लावा आ रहा है, मैं लावा में डूब के मर रहा हूँ। सच्चा है पहले स्टोन लगा लेता हूँ और ये इसे तोड़ा ये इसे भी तोड़ता हूँ। अच्छा खासा आयरन मिल गया मेरे को भी। ऐसे बाहर आता हूँ, पता चला खोद रहा हूँ, सीधा अंदर ही जा रहा हूँ। तो इसको भी तोड़ा। क्या बोलते हैं दोस्तों, हम ऑफलाइन माइनिंग भी करें कि नहीं करें, कमेंट में करना। ऑफलाइन माइनिंग करनी है तो हाँ लिख देना, नहीं करना नहीं करे वो लोग तो ना लिख देना। ठीक है हम नहीं करेंगे। तो फिर मेरे ख्याल से सब ऑनलाइन ही करना ठीक रहता है। सुनो भी भाई तो बोले थोड़ा बहुत ऑफलाइन भी कर लेंगे, नहीं तो बोर हो जाते हैं सब लोग। तो फिर मैंने कहा देख लेंगे, कमेंट में देखेंगे। तो फिर कमेंट कर लेना, कमेंट करना ज़रूरी है। तो फिर सुनो भाई के पास चलता हूँ मैं ज़रा। टॉर्च भी तीन ही है, नीचे चलता हूँ आराम से। फिर यहाँ पे नेदर स्टोन है, बात पाएंगे यहाँ पे। तो उसका यहाँ पे तो मैं अपना स्नो बाइक आने तक का मैं क्राफ्ट टेबल लगा, फर्नेस वर्नेस बना लेता हूँ। क्राफ्ट टेबल लगा, ये यहाँ पे फर्नेस बनाया। और तो फिर यहाँ फर्नेस आयरन वायरन बनाते हैं। ये वापस उसमें कहाँ पर लिख रहा है, ये आयरन डाला और नीचे डाला हमने कोल। कोल को पहले अलग कर लेते हैं, कोल भी अच्छा खासा हो गया मेरे पास। उसके बाद यहाँ पास सही से वो कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जा भाई। तो फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा रहा है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद अब ये इसके हो गए आयरन, चार आयरन हो गए। तो फिर यहाँ पे से वो बना लेता हूँ, शील्ड बना लेता हूँ। शील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर शील्ड बन गई है, शील्ड ये तो चाहिए थी अपने को। शील्ड तो बचाती है सब मॉब वॉब से, खास कर क्रीपर से। शील्ड ही तो है जो क्रीपर से बचाती है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी पिकेक्स या तलवार बना लेता हूँ। पहले तो यहाँ पे स्टिक नहीं है मेरे पास, तो फिर स्टिक बनानी पड़ेगी। ये स्टिक बनाए, उसके अलग बनाते हैं यहाँ पे तलवार बनाते हैं। पहले पिकेक्स बनाते हैं, बार बार तलवार भी बना लेंगे, दिक्कत कहाँ आ रही है। पिकेक्स ज़रूरी है, अभी ऊपर जाके उस गोल्ड को भी तोड़ देंगे जाके। पिकेक्स मिल गई है हमें। फिर उसके बाद ये यहाँ पे ये, अरे ये कहाँ खुल गया। तो फिर उसका स्टीवन भाई भी यहाँ पे पहुँच गए। और स्टीवन भाई लावा की तरफ को पता नहीं क्या करना है। स्टीवन भाई लावा पे सुसाइड मत कर देना, आयरन चाहिए तो बोलो, सुसाइड मत कर देना यार, दे दूँगा आयरन दे दूँगा। तो फिर ये थोड़ा इसको यहाँ पे लेते हैं। कॉपर भी है थोड़ा सा, कॉपर को बाद में करेंगे इसको तो। अरे ये क्या हो रहा है, खुलता नहीं है, बैठ के लगता है। तो फिर इसको यहाँ पे लेते हैं, इसको यहाँ पे मिक्स करके रखते हैं। स्टोरेज भी थोड़ी सी गंगाली है मेरे पास। मैं आयरन की पिकैक्स क्यों तोड़ो जब मेरे पास स्टोन की पिकैक्स है। तो फिर क्राफ्टिंग टेबल तो फिर इससे तोड़नी पड़ेगी लगता है हमें। तो फिर इसे तोड़ता हूँ थोड़ी। स्टीवन भाई चलो आगे को चलो। अरे स्टीवन भाई निकलते हैं बारह हूँ मैं उससे। अरे क्रीपर दिया, मैंने कहा था यही बचाती है शील्ड क्रीपर से। और सब तो ऐसे ही हैं। एक कोल मिल गया और मेरे को ये ऐसा वाला कोल देखो कितना मस्त लग रहा है, दिख रहा है। म्यूजिक तो फिर दोस्तों हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। स्टीवन भाई मतलब स्नो भी भाई भी मर गए और मैं भी मर गया। तो फिर आपको अगर देखना है कि स्नो भी भाई कैसे मरे तो उनके चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हो और लिख देना #OPLegend। तो थैंक आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में।